Welcome back to my channel. So it's very hot and humid in Indore, but we are going to Madhai, जो कि हमारे इंदौर से 250 किलोमीटर्स है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. मैंने काफी कुछ सुना है. सो अवर कार इज एब्सोल्युटली रेडी एंड वी आर ऑल्सो ऑल सेट टू गो टू मधाई. तो बहुत सारा एडवेंचर, सफारी एंड बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए वेट कर रही है. सो लेट्स गो टू मधाई. सो अवर कार इज ऑल्सो रेडी, अवर लगेज इज ऑल्सो रेडी. हमारी कॉलोनी की भी ब्यूटी वैसे कम नहीं है. आप देख सकते हो कितना प्यारा फॉल हो रहा है. और तो हमारा लगेज रख चुके हैं गाड़ी में. सो नाउ इट्स टाइम टू लीव. इवान कहाँ जा रहे हो? अपन टाइगर देखने. वाओ ओके लेट्स गो. ऑल सेट टू गो. तो ऐसे ही मस्ती करते हुए, गाने गाते हुए हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि एक्चुअली 317 किलोमीटर्स की जर्नी है इंदौर टू मढ़ाई. एंड यू नो, फैमिली के साथ लेजर टाइम बिताने का मज़ा ही कुछ अलग होता है. तो वी वर इन्जॉइंग थरली. घर से निकलने का ही एक्चुअली मज़ा बहुत अलग होता है. सो वी वर एक्साइटेड टू सी द प्लेस, बट वी वर इन्जॉइंग द जर्नी थरली. एक्चुअली वो गाना है ना, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है रास्ते में. और एक्चुअली ना, भगवान ने और वेदर ने हमारा साथ दिया था और बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था. सडनली गर्मी से बारिश का मौसम हो गया. इतना स्विच मारा है ना मौसम ने फटाफट. और हमें तो मज़ा आ गया था, क्योंकि अगर कहीं घूमने निकले और मौसम भी अच्छा हो जाए ना, तो एक्चुअली वो चेरी ऑन टॉप होता है. और वही हमारे साथ हुआ. जैसे ही हम इंदौर से निकले, भोपाल रोड पर आए, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया. हवा चलने लग गई एंड बारिश की बूंदें गिरने लग गई. तो इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी. सो नाउ मढ़ाई इज़ ऑलमोस्ट हियर, बिकॉज अब यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर्स है मढ़ाई. और मढ़ाई की ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ, जो कि उसका बेंचमार्क है, और बहुत ही सुंदर वादियाँ और रिवर, जो पूरा व्यू आएगा ना आगे, वो सीरियसली आप सभी को मस्मराइज्ड कर देगा. एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर. और बहुत ही ब्यूटीफुल ओल्ड ओल्ड ट्रीज हमें मिल रहे थे, जिनकी जड़ें बहुत ही पुरानी थी. वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था. एंड जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं ना, वहाँ की हवा ही चेंज हो जाती है. यू कैन फील द ब्रीज, यू फील सो रिलैक्स, सो मेडिटेटिव. तभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइक साल में 2-3 वैकेशंस प्लान करना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये हम सबको स्ट्रेस फ्री करता है एंड हमारे मूड को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है. और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ना बॉडी में, आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में हम एंटर कर रहे हैं, आई कैन फील द ब्रीज. बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था. मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा फीलिंग आ रही थी जैसे जैसे हम नियर आते जा रहे थे मढ़ाई के. एंड यू कैन सी द सनसेट. पूरा जो क्लाउड्स है वो ऑरेंज हो चुके हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था. एक्चुअली कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पा रहा जो मैंने खुद अपनी आईज से देखा है व्यू. इट वॉज अमेजिंग. एंड स्पेशली जो लास्ट 20 किलोमीटर्स की जर्नी थी ना, मैं वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मस्मराइजिंग थी. एंड आप खुद ही देख लीजिए, वर्ड्स में तो मैं क्या ही डिस्क्राइब करूँ इस ब्यूटी को, बिकॉज नेचर की जो खूबसूरती है ना, वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती. एंड फाइनली वी आर अबाउट टू रीच अवर होटल, जो कि हमको गांव में से होके जाना पड़ा था. और पूरा गांव का व्यू आ रहा है. आप देख सकते हो कि पूरे कंडे जल रहे हैं एंड छोटे छोटे हर्ट्स बनी हैं. बहुत ही अच्छा फील आ रहा था. तो गौरी सा एंड लहर सा, ये दोनों होटल हैं जो कि लाइक कनेक्टेड हैं. और हम लोगों ने लहर सा में स्टे किया था. एंड दिस इज़ अवर ब्यूटिफुल रिसॉर्ट. एंड यू कैन सी कितना सुंदर रिसॉर्ट है ये. मुझे तो मज़ा आ गया था इसे देखने में, क्योंकि इतनी अच्छी फीलिंग आई थी ना वेन वी एंटर ओनली. अभी तो मैंने पूरा रिसॉर्ट देखा भी नहीं है. वी आर हियर एंड वी आर एंटरिंग अवर रिसॉर्ट. इट्स रियली अमेजिंग. लेट मी शो यू द व्यू. Yes, Ivan. Let go.
ये लहर सा जो रिसॉर्ट है, तो ये प्योर वेजिटेरियन है और इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड एक्चुअली पूरा जस्टिस कर रहा है, बिकॉज जैसा ये पिक्चर में दिख रहा था उससे भी 10 times बेटर ये रियल में लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू भी दे रहा है। इसमें जो है आप इंडिविजुअल कॉटेजेस भी ले सकते हैं जो कि प्राइवेट टेरेस के साथ है। एक्चुअली हमारे टाइम पे ये पूरे बुक हो चुके थे तो हम लोगों ने फिर दूसरे रूम्स पे स्विच किया। इसमें टोटल 9 rooms है एंड यहाँ से जो व्यू है ना, यू कैन सी लाइक, मुझे लगता है हम लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन इंडिया की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है ना कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है हमारा इंडिया। सी दिस एस्टोनिशिंग ब्यूटी, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस। मतलब जाते से ही मैं सबसे पहले लाइक दौड़ के यहीं पर ही आई हूँ, बिकॉज मुझे लेक के व्यूज़ देखना, माउंटेंस के व्यू देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अब हम वहाँ भी जाएंगे रिवर साइड पे, लेकिन पहला थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे एंड वाओ दिस इज़ सो सो ब्यूटीफुल। मैंने नहीं सोचा था कि मढ़ाई इतना ज़्यादा सुंदर होगा एंड आई थिंक यहाँ पर ऑफनली मैं अब आऊँगी इस व्यू की वजह से। एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल होटल। मैं आपको टेरेस से इसका व्यू दिखा देती हूँ। वही है प्राइवेट टेरेस जो कि आपको कॉटेज के साथ मिलेगा। इसमें ऊपर भी पूरा डबल बेड लगा हुआ है एंड यू कैन सी द व्यू फ्रॉम द टेरेस, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरा रिसॉर्ट। सो नाउ लेट मी शो यू द हेवन एंड यू विल टोटली लव दिस, सो लेट्स गो। फिर हमने सोचा कि हमें लेक साइड जाना चाहिए पूरा व्यू का पास से नज़ारा देखने के लिए, तो हम लोगों ने होटल वालों से गेट खुलवाया एंड हम लोग बिल्कुल आते से ही वहीं चले गए रिवर साइड पे एंड इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली सनसेट का टाइम था ना तो ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव फीलिंग आ रही थी, बहुत पीस था, बहुत साइलेंस था वहाँ पर, तो मुझे लगता है इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन ऑल्सो। और यहाँ पर मैं तो ना घंटों स्पेंड कर सकती हूँ बिकॉज ये कितना अच्छा व्यू है, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। Wow, this is the beauty of Madhai. Just lost here and everybody is getting crazy for pictures. एंड यहाँ पर बोटिंग का भी ऑप्शन है, यू कैन सी। सो हम लोगों ने वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए सनसेट के साथ एंड फिर चले हम होटल पे। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत गजब। मारा तो पसंद ही है। इट्स द एंड ऑफ टुडे, वी हैव रीच्ड आवर रिसॉर्ट एंड बहुत डार्क भी हो गया है। फाइनली इट्स द एंड ऑफ द डे, वी हैव डिनर एंड वी आर चेकिंग इन आवर रूम्स, आवर लगेज इज ऑल्सो हियर, लेट्स गो इनसाइड। सो हियर इज आवर रूम। ओह वाओ, एंड आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रूम्स ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी कम्फर्टेबल और कोजी रूम्स थे, बाथरूम्स भी अच्छे थे, लाइक उसमें पूरा लाइक वाटर जेट्स और स्टीम का यूनिट था, बेड भी काफ़ी कम्फर्टेबल था, व्यू भी काफ़ी अच्छा था, पूरा लेक का व्यू आ रहा था एक्चुअली रूम से, जो कि मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। ऑल सेट फॉर पूल, नाइट पूल। इवान इज सो एक्साइटेड। तो स्नैक्स की मंचिंग के साथ हमने पूल में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। एक्चुअली हम सभी वाटर बेबी बन चुके थे और उसमें जकूजी भी था पूल में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो वी हैव स्पेंड लेजर टाइम विद फैमिली एंड फिर हमने डिनर किया। यहाँ का डिनर भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि प्योर वेजिटेरियन फूड है, तो बहुत ही टेस्टी फूड था। वी लव द फूड हियर। सो नाउ इट्स द एंड ऑफ द टायरिंग डे। कल सुबह हमारी सफारी है, सो वी हैव टू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। So good night for now. See you tomorrow morning. Bye bye. Hi. So we are all set for safari. So Madhai ki safari bahut zyada hi famous hai. Nivan is also ready. You can see. So Satpura National Park jo hai wo bahut hi zyada famous hai. Bahut sare animals hai, like bear hai, tiger hai, leopard hai. Ab humko dekhte hain ki kya kya dikhta hai. And the safari is divided into 2 sections. One is core section and one is buffer.
तो जो कोर सेक्शन है उसमें आपको जंगलों के अंदर ले जाते हैं नदी को क्रॉस करके। तो आज हम कोर सफारी करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ मॉर्निंग 12 o'clock तक ही खुली रहती है एंड इट्स ऑलरेडी 7:30, सो वी हैव टू लीव अर्ली, सो लेट्स गो सफारी। हाँ सो वी आर हियर एंड ये बोट क्रॉस करके हमें जाना है उधर जंगल की ओर एंड अवर कार इज हियर। आप चाहे तो यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं बफर जोन की और पहले से भी बुकिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो दिस इज द टिकट सेक्शन एंड यू कैन सी द ब्यूटिफुल व्यू। वाओ guys, here is our boat and it's ready for us and now we will go to the other side, see the beauty of our India. So here is our safari. chala ja bhaiya, abhi to boat pe jayenge na hum. ha kyun bhaiya, pehle boat pe jayenge and aisi jeep rahegi hamari. So we are crossing the river. So here is our safari and it's ready and we are going into cold jungle. यहाँ पे घना जंगल हमको मिलेगा। हाँ We are going to the core area, into core jungle. Let's see कि हमें कौन कौन से animals दिखते हैं। मैं तो बहुत ही excited हूँ क्योंकि मुझे wild life explore करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे तो zoo में सारे animals दिख जाते हैं लेकिन ऐसे safari में उनको देखना जंगलों के बीच में वो क्या करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा adventurous होता है। बता बता भाई टाइगर की उस साइड में मिल जाते हैं। इनका बिहेवियर जंगल में जैसे कैट फैमिली जो होती है नीचे
और ये उसके पास अगर मोमेंट हो तो उसको कितनी दूर से जैसे बात कर रहे थे अपन सूंघने का या सुनने का, वो समझ में आता है। ये जैसे उसके एरिया के रडार के अंदर जाएगा, जैसे वो यहाँ है और इसके रडार आधा के बाहर और यहाँ पे जो गठन बोलते हैं, और अपना ये एरिया सतपुड़ा जो है वो फेमस ऑफ गौर के लिए है। नहीं नील गाय वो अलग होता है, डियर बाइसन नहीं नहीं ये गिर नहीं, ये वाइल्ड कैटल में लॉज ऑफ एंड एक्चुअली इस जंगल में बाइसन भी बहुत सारे हैं। तो हमें बाइसन दिखे, एलिफेंट दिखे, और जाते से आधे घंटे के अंदर हमें दो टाइगर दिख गए, तो इट वाज रियली गोइंग ग्रेट। फिर ना एक्चुअली हमने अपने होटल वालों से हमारा ब्रेकफास्ट पैक करा दिया था, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट को पैक कर दिया था। तो हम लोगों ने एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया इन द मिड ऑफ जंगल, और हम सभी ने अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय किया। तो पराठा, उपमा, एवरीथिंग वॉज देयर। ओके गाइस, सो यू कैन स्पॉट एलिफेंट बिहाइंड मी। तो यहाँ पर जो है एलिफेंट सफारी भी होती है, तो आपको अगर शौक है एलिफेंट पे सफारी करने का, तो आप यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर एलिफेंट्स हैं, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। सो हमें एक और बाइसन दिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वो भी हमारी तरफ ही देख रहा है। एंड एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं बाइसन, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था बिकॉज ये रन करते हुए हमारी तरफ आया था। एंड देन हमें देखे बहुत बहुत सारे मंकीज जो कि हर जंगल में होते हैं और उछल कूद मचाते रहते हैं। और इस तरीके से हमारी जो सफारी वो एंड की तरफ आई, लेकिन जहाँ पर हमने टाइगर स्पॉट किया था ना, हम वापस वहीं पर गए और वो टाइगर अभी भी वहीं पर बैठ कर चिल मार रहा था पानी के अंदर। एक्चुअली हॉट बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और एक जो दूसरा टाइगर हमने देखा था उसने एक बाइसन का हंट कर लिया था और वो ट्री के अंदर ही बैठा हुआ था। तो दोनों टाइगरों ने अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, तो दोबारा जाते जाते भी हमने उसके दर्शन हो गए। और आप बाइसन देख सकते हैं सामने, ये लाइक हंट कर दिया, इसको मार दिया है टाइगर ने। और थैंक गॉड हम लोग सुबह चले गए सफारी पे, क्योंकि जाते जाते तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि वो अनटॉलरेबल हो गई थी हम सभी के लिए। 11 बजे तक जो धूप हो गई थी ना, आई कांट टेल यू, ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल भरी दोपहर में है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू लाइक जहाँ पर लेक होते हैं, पानी होता है, वो एरिया थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। तो हम लोग तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गए थे। एंड नाउ इट्स लाइक वेरी हॉट। तो अगर आप लोगों को सफारी करनी था, आई वुड प्रेफर कि आप लोग मॉर्निंग टाइमिंग्स में ही आएँ, अगर आप लोग मई जून में आ रहे हैं तो। अब वी आर हेडिंग बैक टू अवर होटल, और सफारी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा, क्योंकि हमको टू टाइगर्स दिखे और एक हंट भी दिखा जिसका बाइसन का हंट किया था टाइगर ने। सो इट वॉज अ सक्सेसफुल सफारी ट्रिप, सो बहुत ही मज़ा आया। वी आर हेडिंग बैक टू अवर होटल एंड अवर बोट इज़ ऑल्सो रेडी। सो मज़ेदार सफारी करने के बाद अब धूप अनटॉलरेबल हो रही थी, तो हम जल्दी से दौड़े अपनी बोट की ओर। बस अब ऐसा लग रहा था कि बस हम जल्दी से अपने होटल को ही हमें ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम सभी को। एंड इवान तो बहुत ही टायर्ड हो गया था, यू कैन सी। एंड नाउ बोट में बैठकर हम चले अपने होटल की ओर। You can see my हालत, actually it's very very hot here now, it's 11 AM in the morning, but it feels like 2 and 3 in the afternoon and it's very hot, and finally we are back to our hotel, and Ivan ko pool mein jana hai fir se, but actually I'm literally very tired, so let's see what we will do next. Abhi aadha ghanta to rest karenge। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वी आर ऑल सेट फॉर लंच, और हमने जो है ना लाइक लिटरली जेनी ना कहीं भी दाल बाटी चूरमा खा सकते हैं, तो हमने एक रात पहले ही दाल बाटी चूरमा का ऑर्डर दे दिया था, और हमारे लिए रिजॉर्ट वालों ने बिल्कुल रेडी कर दिया दाल बाटी चूरमा और आम पना। मज़ा आ गया था, लिटरली इतने टायर्ड हो गए थे, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो वी वर टोटली सैटिस्फाइड। लंच यार हम लोगों ने यहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाया है, और एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था और बोल दिया था कि हम लोगों का मन है दाल बाटी चूरमा खाने का, यू नो वी आर जैनी, सो दाल बाटी चूरमा के बिना हमारा काम नहीं चलता। बट वी रियली एंजॉयड अवर स्टे हियर एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल लोकेशन एंड रियली मडई इज़ ग्रेट। अगर आप वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आना सैटरडे संडे को विद फैमिली, एंड इफ यू लिव नियर बाय, तो आई थिंक आपको यहाँ की सफारी और ये वंडरफुल स्टे इंजॉय करना चाहिए। इट्स लाइक फुल पैसा वसूला, आई रियली एंजॉयड कमिंग हियर।
सो आफ्टर हैविंग लंच हम लोगों ने थोड़ा सा रिसॉर्ट में इंजॉय किया, व्यू के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बाई कहने का मन नहीं हो रहा था एक्चुअली। मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई एक्चुअली। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, सागरिका अंडरस्कोर जैन इज़ माई ID। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सुंदर सुंदर रील्स और मढ़ाई के पिक्चर्स देख सकते हैं। सो मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए और मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अब गुड बाई कहने का टाइम हो गया था इस प्लेस को। Finally, it's time to say goodbye to this beautiful place and we are checking out from our room. It was really wonderful. आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं कौन से होटल में स्टे किया था, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। वैसे गौरी सा एंड लहर सा, ये दोनों होटल हैं जो पास पास ही हैं। हम लोग लहर सा है में स्टे किए थे हम, एंड इट वॉज़ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। स्टाफ की भी काफ़ी अच्छा था बिहेवियर एंड सर्विस वॉज गुड, एंड प्योर वेजिटेरियन है तो लाइक और भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया था कि प्योर वेजिटेरियन बहुत टेस्टी फूड हमें यहाँ पर मिल गया। एंड व्यू भी अच्छा है रूम से, आप देख सकते हैं लेक का पूरा व्यू आ रहा है मेरे पीछे। लाइक अभी मैं इसको फोकस में करती हूँ, पूरा लेक का व्यू है एंड स्विमिंग पूल है। ऑल द थिंग्स वॉज वेरी गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी गुड। आई एम इन लव विद दिस प्लेस एंड मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी बिकॉज बहुत ही अच्छा गेट अवे है वीकेंड्स के लिए और बहुत नियर बाय है इंदौर से, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर दोबारा विजिट करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ये व्लॉग। अगर पसंद आया तो हिट लाइक, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। बिकॉज मुझे लगता है कई बार ये बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड प्लेस है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शेयर कीजिए ताकि सतपुरा टाइगर नेशनल पार्क के बारे में सबको पता लगे एंड यहाँ पे ज़्यादा लोग आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे तो काफ़ी सुंदर लगी ये जगह। आपको कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।